तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2019 के स्टार्टिंग में वीवो जैसे स्मार्टफोन कंपनी के फोन परचेस करने से पहले कस्टमर दो बार सोचते थे। वीवो के स्मार्टफोन की बिक्री ऑफलाइन ज्यादा होती थी ऑनलाइन के मुकाबले, क्योंकि दोस्तों वीवो अपने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन को बहुत ही लो रखता था और प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा हाई रखता था, जिसके कारण वीवो के स्मार्टफोन की बिक्री ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा कम थी। बट दोस्तों, अचानक से वीवो ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया और वीवो ने अपना सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन मिड रेंज के लिए निकाला, जो कि था वीवो Z1 Pro, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आया। और दोस्तों, उस टाइम में वो पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें हमें स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर देखने को मिला था, जो कि बहुत ही शॉकिंग था हमारे लिए। और उसके साथ ही दोस्तों, सबसे ज्यादा शॉकिंग ये था कि उस स्मार्टफोन का प्राइस जो था वो 15,000 रुपीज के अंडर था। दोस्तों, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर और इसकी प्राइसिंग 15,000 रुपीज के अंडर रहने वाली है। बट दोस्तों, वीवो ने ऐसा किया जिसकी वजह से दोस्तों वीवो के ऑनलाइन मार्केट की पकड़ भी मजबूत हो गई और उसके बाद वीवो ने एक से एक बेहतरीन स्मार्टफोन लाता गया। जैसे कि दोस्तों, वीवो Z1 Pro के बाद वीवो ZX, वीवो E1 जैसे स्मार्टफोन लाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन था। तो दोस्तों, उसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी लीक्स निकल कर सामने आ रही है वीवो Z2 Pro स्मार्टफोन को लेकर। दोस्तों, वीवो Z2 Pro पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि आपको मिड रेंज के प्राइस में देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा जैसा कि रियलमी XT, रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिला था, और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 45 वॉट के फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और कब तक इस स्मार्टफोन को कितने प्राइस में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइन से। तो दोस्तों, वीवो Z2 Pro में आपको बहुत ही बेहतरीन बिल्ड और डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जैसा कि वीवो V17 Pro में हमें देखने को मिला था, जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्लास फिनिशिंग के साथ आने वाला है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ग्लॉसी फिनिशिंग देने वाला है आपके स्मार्टफोन को। और उसके साथ ही दोस्तों, बैक साइड में ही आपको क्वाड रियर कैमरा का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.4 इंच का एक फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, जैसा कि रियलमी XT और रेडमी K20 में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों, फुल व्यू डिस्प्ले होने की वजह से स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों, बात करें स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों तरफ ही आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही दोस्तों, बात कर ले स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन के 730G का प्रोसेसर, जैसा कि रेडमी K20 में हमें देखने को मिला था। बट दोस्तों, स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो होने वाला है वो 15,000 से 16,000 रुपीज़ के करीबन ही रहने वाला है, जैसा कि वीवो Z1 Pro में हमें देखने को मिला था एक बहुत ही शॉकिंग प्राइस। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन का ही प्राइस बहुत ही शॉकिंग होने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों यहां पर आपको एक 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में, जो कि आने वाला है 14.5 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही बात कर ले दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला प्राइमरी 64 मेगापिक्सल सोनी GW1 के सेंसर के साथ। और उसके साथ ही यहां पर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि 119 डिग्री के फोटोज लेने में आपको हेल्प करेगा। और उसके साथ ही 5 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का जो प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 15,000 रुपीज़ से 16,000 रुपीज़ के अंडर बेस वेरिएंट का, जो कि होने वाला है 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको एक हायर वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि 8GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। उसकी प्राइसिंग आपको 18,000 से 19,000 रुपये के करीबन देखने को मिल जाएगा। और फाइनली बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को दिसंबर के महीने तक इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जिस टाइम रियलमी अपना अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी X2 Pro इंडिया में लॉन्च करेगी। तो दोस्तों, यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स और रूमर्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।